हैं उसमें से अपने आप को डेवलप करना। ये पिछले 6 महीने में कितने लोगों ने समझाए, भूख की कीमत समझिए, जो घर में संसाधन होते हैं उनकी कीमत समझिए। जब पहला लॉकडाउन था अप्रैल में, अपन लोग बंद थे तो नहीं सोचे थे इतने दिन की दाल है, इतने दिन के सोयाबीन है, इतने दिन के इससे काम चला लेंगे, इतने दिन के ऐसे मैं सोचा था, इतने दिन हमारे सेंडने पे फली लगी हुई है, इतने दिन सलाम परमल खा लेंगे, इतने दिन घर में ये लगा हुआ है, क्योंकि अपन ये समझ रहे थे जिंदगी भर के लिए लॉकडाउन। लेकिन कोई परिस्थिति परमानेंट नहीं रहती, धैर्य रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। आपको जिंदगी में महत्वाकांक्षा होगी तो प्रकृति रास्ते निकालेगी, लालच में नहीं। और जिस दिन पेशेंस होगा उस दिन प्रकृति जरूर मदद करेगी, लालच नहीं तो प्रकृति हेल्प करती है। और धैर्य रखना, कुछ भी हो जाए, लॉकडाउन कितने का भी हो जाता, 1 साल का हो जाए, आगे जाके अनसर्टेनिटी ट्रेजेडी आ जाए, पहले से ये सोच के रखना, घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आ जाए धैर्य रखना, टिके रहना, टिके रहना, टिके रहना, टिके रहना, एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी आप।